अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को अब तक सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी सपोर्ट करते रहिए इसी तरह। चलिए बढ़ते हैं अब इस ब्लॉग की तरफ। इस ब्लॉग बनाने का मेन मकसद यही है कि हम लोग रिसेंट से सऊदी को ट्रैवल करे थे उमरा करने के लिए, तो हम बहुत सारे ऑप्शन सोचे, तो हमको वाया फ्लाइट ही बेहतर लगा था। तो वाया फ्लाइट में हम चूज़ किए थे फ्लाइनास, जो सऊदी का एयरलाइंस है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, हमें बहुत पसंद आया था इसका सर्विस और सब, तो इसीलिए हम सोचे कि हम अगर इसके बारे में कुछ शेयर करेंगे। तो अगर कोई भी गल्फ़ में है और मिडिल ईस्ट में से जो ट्रैवल करना चाहते हैं सऊदी को और जो भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को वाया फ्लाइनास, उन लोगों को बेहतर और बेनिफिट देगा ये वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो ऑप्शंस है टिकट के वक्त, एक बैगेज और एक विदाउट बैगेज है। विदाउट बैगेज में जो है आपको बैगेज अलाउ नहीं है, तो जस्ट हैंड लगेज ये 7 kg अलाउ करेंगे, तो टिकट का प्राइस लेस होगा। और विद बैगेज अकॉर्डिंग टू द वेट केजेस ये लोग चार्ज करते हैं। हम देखे थे 15 kg को अराउंड 100 रियाल चार्ज कर रहे थे ये लोग। और अगर एक पर्सन है, अगर कोई लगेज नहीं, तो एक बेस्ट ऑप्शन होगा उनके लिए। उसके बाद इनका जो सर्विस है बहुत अच्छा है फ्लाइट के अंदर, और जो सीटिंग भी है बहुत स्पेशियस है, लेदर सीट से। और अगर हम अलग बजट एयरलाइन से कंपेयर करें, तो इसका जो सीटिंग जो है बहुत कंफर्ट और कन्वीनियंस से है, तो फ्लाइनास हमें बेहतर लगा था। और इनका जो टाइमिंग है, जो बोर्डिंग पास में जो टाइमिंग दिए थे, उस टाइम पे करेक्ट हम पहुंच गए थे। ऑलमोस्ट हमें दोहा से सऊदी जाने 2 hours 25 minutes लगा था। नेक्स्ट फ्लाइट माशाल्लाह बहुत क्लीन और नीट मेंटेन किए थे, और इनकी होस्टिंग सर्विस भी जो बहुत बेहतर है। बीकात के अंदर एंटर होने के एक हाफ एन आवर पहले ही एक अनाउंसमेंट किए कि हम लोग हाफ एन आवर में मीकात को पहुंचेंगे, तो कोई अहराम बांधना चाहे तो जाकर बांध कर आए। और एक दूसरा नेक्स्ट उस टाइम मीकात में एंटर होते ही फिर अनाउंस किए कि नियत कर ले, अहराम का जो नियत रहता है उमरे का वो नियत कर लो बोल के अनाउंस किए थे। एक्चुअली क्या है, तो वहाँ जो चेंज रूम है उतना कम्फर्ट नहीं रहता एरोप्लेन में, तो बेहतर यही है कि अगर आप घर से अहराम पहन कर आए वो बेस्ट ऑप्शन है, नहीं तो आप एयरपोर्ट में आकर अगर चेंज कर ले तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है कंपेयर टू एरोप्लेन। हम लोग दोहा से जिद्दा ट्रैवल करे थे, नेक्स्ट फिर को मदीना से रियाद, रियाद से फिर दोहा, रिटर्न सेम फ्लाइनास के थ्रू ही आए थे, तो एक बेस्ट एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो लोकल में लोग अगर ट्रैवल करना है, जैसे मक्का से मदीना, जिद्दा से मक्का, इसके लिए हम लोग यूज़ करे थे जो हाई स्पीड रेलवे है ना, वो यूज़ करे थे। वो भी बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स मेरे वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपके फैमिली फ्रेंड्स हर एक के साथ शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर लो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट्स और नए वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।